In this question, a man can cross a river and he covers some distance by foot at the average speed of 6 km per hour and remaining distance by the bicycle at the average speed of 12 km per hour. What distance would he travel on foot? So let's suppose the total distance hamare paas ki kitni 60 km in 6 hours. Kitne hours mein travel karta hai? 6 hours. He covers some distance. Let's suppose this x distance hai yahan tak ke hamare paas. ये कवर करता है हमारे पास किस स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 60 माइनस एक्स डिस्टेंस है ये हमें किस स्पीड से कवर करता है हमारे पास इसकी स्पीड क्या हो जाएगी विद एवरेज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर 12 किलोमीटर पर आवर तो लेट्स सपोज इसका टाइम है t1 है और इसका टाइम t2 और ये टोटल टाइम कितना ले रहा है हमारा 6 आवर तो मींस t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 6 आवर t1 टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास सो टोटल डिस्टेंस इज x और इसकी एवरेज स्पीड है 6 ओके तो यहां से आ जाएगा t1 टाइम आ जाएगा हमारे पास t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ओके व्हिच इज x / 6 और t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी डिस्टेंस इज 60 माइनस x अपॉन स्पीड इज 12 तो t1 t2 की वैल्यूज में पुट करेंगे तो x / 6 प्लस 60 माइनस x / 12 इक्वल्स टू 6 होल इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 60 माइनस x इक्वल्स टू 72 तो यहां से 2x माइनस x इज x इज इक्वल टू 72 माइनस 60 व्हिच इज इक्वल टू 12 x क्या था हमारे पास x ही था डिस्टेंस तो x इज इक्वल टू 12 किलोमीटर आ गया अब 12 किलोमीटर किसकी डिस्टेंस आया हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि what would be the he travel on the foot तो foot से कितना हमारे पास वो travel किया हुआ है x किलोमीटर और remaining distance by bicycle से तो remaining क्या हुआ 48 किलोमीटर by bicycle so 12 किलोमीटर travel by the by foot so कौन सा option correct हो जाएगा यहाँ से हमारे पास so distance travel by the foot is equals to 12 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास okay तो options में check करते हैं तो यहाँ से options 48 20 36 और 24 कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्या होगा आंसर क्या होगा 12 किलोमीटर